वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में हिंदुस्तान आमद के बाद मुसलसल फतूहात हासिल करती चली गई और इस दौरान दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये धाग धोने की सरतोड़ कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर फतह हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बुरी शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज सफीरों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल शहनशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। वाकया कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्याम के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तजारती कोठियां कायम करके तजारत शुरू कर दी थी। इन इलाकों में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वाके सूरत और मुंबई और मशरक में मद्रास और मौजूदा कलकत्ता शहर से 20 मील दूर दरिया गंगा पर वाके बंदरगाहें हगली और कासम बाजार अहम थे। अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और मादनियात ले जाते थे, खास तौर पर ढाके की मलमल और बहार के कलमी शोरे जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है की इंग्लिस्तान में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के सामान तजारत पर टैक्स आयद नहीं किया जाता था बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगेजी और वलंदेजी ताजरों के अलावा कई आजाद ताजर भी उस इलाके में सरगर्म थे। उन्होंने मुगल हकाम से मिलकर अपने लिए वही तजारती हकूक हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के सदर दफ्तर पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरबराह जोजाया चाइल्ड के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सादार बने। इस मौके पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीब ही नहीं, गरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुकीम कंपनी के हुकाम से कहा कि वो बहिरा अरब और खलीज बंगाल में मुगल बहरी जहाजों का रास्ता काट दें और जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट लें। यही नहीं बल्कि 1686 में चाइल्ड ने इंग्लिस्तान से सिपाहियों की दो पलटने भी हिंदुस्तान भिजवा दी और उन्हें हिदायत दी कि हिंदुस्तान में मुकीम अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटागंग पर कब्जा कर लें। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहें या फिर उसकी दीदा दुलेरी कि वो मुबलिक 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। उस जमाने में हिंदुस्तान पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी और दुनिया की कुल GDP का एक था हिस्सा यहीं पैदा होता था। मुआशी तौर पर उसे तकरीबन वही मकाम हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के अहद में सल्तनत की सरहदें काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई थीं। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफवानों और मराठों से लड़ लड़कर इस कदर तजर्बाकार हो चुकी थीं कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थीं। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबादार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और उसमें हिंदुस्तानी, अरब, अफगान, ईरानी हत्ता के यूरोपी तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ तबले जंग बजा तो बम्बई में तायुनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। उसके जवाब में स्याफाम मुगल अमीरुल बहर सैयदी याकूत ने एक ताकतवर बहरी बेड़े की मदद से बम्बई का मुहासरा कर लिया। इस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नामी एक अंग्रेज बम्बई में मौजूद थे जिन्होंने बाद में एक किताब लिखकर इस वाकये का वाहिद आंकोते का हाल कलम बंद किया। वो लिखते हैं कि सैयदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेजों ने भाग कर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के आलम में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े नीम भराना पहने हुए सिर्फ बच्चे उठाए हुए भागी चली जा रही थीं। हैमिल्टन के मुताबिक सैयदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूट कर वहां मुगलिया झंडा गाड़ दिया और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला और बाकियों को गले में जंजीरें पहनाकर बम्बई की गलियों से गुजारा गया। बम्बई का इलाका खासे अरसे से पुर्तगेजियों के कब्जे में था। जब इंग्लिस्तान के बादशाह ने पुर्तगाली शहजादी से शादी की तो ये बंदरगाह उसके जहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहाँ एक मजबूत किला तामीर करके तिजारत शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता न सिर्फ समुंदर पार से अंग्रेज ताजर, सिपाही, पादरी, मामार और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे बल्कि बहुत से हिंदुस्तानियों ने भी यहाँ रिहाइश अख्तियार कर ली और शहर की आबादी में तेजी से इजाफा होने लगा। अब यही आबादी भाग कर किले में पनाह गुजीन थी और किला सैयदी याकूत के नरगे में था। जल्द ही इशाए खुर्दोनोश एक एक करके खत्म होने लगी। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मैसूर अंग्रेज बम्बई के मसमूम मौसम का शिकार होकर यक्के बाद दीगरे मरने लगे। एक और सहना ये गुजरा कि कंपनी के मुलाजिम आंख बचाकर भाग निकलते थे और सीधे जाकर सैयदी याकूत से जा मिलते थे। यही नहीं बल्कि हैमिल्टन की गवाही के मुताबिक उनमें से कई मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो गए। सैयदी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला पके हुए आम की तरह खुद उनकी झोली में आ गिरेगा।
इसलिए उन्होंने दूर से गोलाबारी पर इक्तफा किया। ये सूरत हाल मुल्क के मशरकी हिस्से में भी पेश आई, जहाँ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हगली के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेरे में ले लिया और आमदोरफ्त के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। बंगाल का मुहासरा तो जल्द ही खत्म हो गया और दोनों फरीकों ने सुलह कर ली, लेकिन बम्बई में ये सिलसिला 15 माह तक दराज हो गया। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 सफीर औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वो शिकस्त की शरायत तय कर सकें। इन सफीरों के नाम जॉर्ज वेल्डन और इब्राहिम नूर थे। ये कई माह की बेसुध कोशिशों के बाद बिलाखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरमों की तरह से बंधे हैं, सर सीने पर झुके हैं और हुलिया ऐसा है कि किसी मुल्क के सफारती नुमाइंदों की बजाय भिखारी लग रहे हैं। दोनों सफीर मुगल शहनशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो अमाल ने उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया। सख्त गिर सफेद रेश औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें सख्त डांट पिलाई और फिर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले तो गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरायम का एतराफ किया और माफी की दरख्वास्त की और फिर कहा कि उनका जब्त शुदा तजारती लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सईदी याकूत को बम्बई के किले का मुहासरा खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्ज इस शर्त पर कबूल हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपया हरजाना अदा करें, आइंदा फरमा बरदारी का वादा करें और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर जॉन चाइल्ड हिंदुस्तान छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करे। अंग्रेजों के पास ये तमाम शरायत सर झुका कर कबूल करने के अलावा कोई चारा ना था, सो उन्होंने तस्लीम कर ली और वापस बम्बई जाकर सईदी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने मुहासरा खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों की 14 महीनों बाद गुलू खुलासी हुई। हैमिल्टन ने लिखा कि जंग से कबल बम्बई की कुल आबादी 700 से 800 के दरमियान थी, लेकिन जंग के बाद 60 से ज्यादा लोग नहीं बचे थे, पकिया तलवार और ताउन की नजर हो गए। आने वाले बरसों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस खजालत अमेज जंग के वाकयात को इंग्लिस्तान के अवाम तक ना पहुंचने दिया जाए। चुनाचे कंपनी के पादरी जॉन ओविंगटन ने 6 साल बाद जब इस जंग का अहवाल लिखा तो उसने तमाम तर मलबा मुगलों की वादा खिलाफी पर डाल दिया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में खासी बड़ी रकम थी। ओविंगटन अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों की बेजिगरी का अहवाल बयान करता है, जिन्होंने 10 गुना बड़े दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। यही नहीं, वो दावा करता है कि इस जंग में अंग्रेजों को नहीं बल्कि सईदी याकूत को शिकस्त हुई थी। मजीद ये कि उसने मुगल दरबार में अंग्रेज सफीरों के बर्ताव का जिक्र भी सिरे से ही गोल कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी लेकिन उसे शाया होते हुए 40 बरस बीत गए। इस दौरान पुलों के नीचे से इस कदर पानी बह चुका था कि उसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर औरंगजेब अंग्रेजों को मुआफी ना देते और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल कर बाहर करते तो आज बरसगीर की तारीख क्या होती। यहाँ ये बात आप जानकर हैरान होंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस जंग को मुगलिया सल्तनत के तारीखदानों ने अपनी किताबों में नहीं दर्ज किया। इसकी वजह यह है कि उस जमाने में मुगल सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस जंग के बाद अंग्रेज 1739 तक, यानी कि जब नादिर शाह ने बरसगीर पर हमला किया, तब तक उन्होंने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि मुगलों के साथ जंग लड़ेंगे। अब जाहिर है, जहाँ एक सल्तनत बड़ी बड़ी जंगें लड़ रही थी और बड़ी बड़ी फतूहत हासिल कर रही थी, अगर उसको एक छोटा दुश्मन जिसके पास सिर्फ 308 फौजी थे वो चैलेंज करने की कोशिश करता है तो शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं थी। यही वजह है कि मुगलों के नज़दीक ना ही अंग्रेजों की उस वक्त कोई वैल्यू थी और ना ही मुगल समझते थे कि अंग्रेज इस काबिल हैं कि वो मुगलिया सल्तनत के साथ टकराव कर सकें। इसके बाद मैं आपको जरूर अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर नादिर शाह के हमले के बाद जहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला को इबरतनाक शिकस्त हुई, वहीं पर अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि मुगलिया सल्तनत, जिसको वो ताकतवर समझते हैं और दुनिया की जो सबसे अमीर तरीन सल्तनत है, वो काबिल नहीं है कि वो जंग लड़ सके। बाद में जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं कि सिर्फ 125 साल के अरसा में मुगलिया सल्तनत का न सिर्फ शिराजा बिखर गया बल्कि 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को न सिर्फ कैद कर लिया गया बल्कि उसे मुल्क बदर भी कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ मुसलमानों ने भुगता उसका खुमियाजा आज तक बरसगीर के मुसलमान गुलामी की सूरत में अदा कर रहे हैं।